अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन और द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज रिकंस्ट्रक्शन. अब लुक, एग्रीमेंट इज इन द बेस बिटवीन द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स. एग्रीमेंट इज इन द एसेंस ऑफ द पार्टनरशिप. बिफोर एग्रीमेंट द पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड. सो इफ टू और मोर देन टू पर्सन wants to start business together, then the basic essence, the basic requirement is there must be an agreement between the partners. Agreement means if the partnership agreement is in the written form, that agreement become deed. But agreement means the term and the conditions between the partners to operate a business is known as agreement. Okay. Now look, how you can understood the meaning of reconstruction or the reconstitutions. The basic meaning of reconstruction is if you change any term and conditions of the existing agreement, if you change or the partner change any term and conditions of the existing agreement is known as reconstruction of the partnership agreement or the reconstitution of the partnership deed. जो existing या पुरानी agreement है, जो उसके term and conditions हैं partners के बीच में, अगर उन term and condition में कोई भी change हो जाए, that means अब आपको नई partnership agreement बनाना पड़ेगा. It means अब आपकी जो partnership agreement है वो reconstruct हो. ठीक है, मतलब आप existing एग्रीमेंट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर ए और बी, उनका पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो था 2:1. अब वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो. ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है. लेटर पीरियड में वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो. अच्छा, ये 2:1 कहां लिखा गया होगा, कहां डिस्कस हुआ होगा? पुराने एग्रीमेंट में डिस्कस हुआ होगा. अब इसे चेंज करना है तो आप पुराने एग्रीमेंट में चेंज नहीं कर सकते. अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करना है तो अब क्या करना पड़ेगा? पुरानी वाली जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगी. वॉइड, एक वर्ड सुना रहा हूं, वॉइड. वॉइड हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी, मतलब इलीगल हो जाएगी आपके लिए. अब आपको नई एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. पहले आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या फिर आईओसी गिवन था. फॉर एग्जाम्पल, आईओडी गिवन था 6% और आईओसी था 5%. अब आप चेंज करना चाहते हो सकता है, चेंज हो सकता है. अब आप चेंज करना चाहते हो तो अगर आप चेंज करना चाहते हो आईओडी या आईओसी, तो अब आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. पुराना वाला एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? दो पार्टनर थे, एक नए पार्टनर को एडमिट करवाना चाह रहे हैं. सी वॉन्ट्स टू ज्वाइन द बिजनेस. अब सी नया पार्टनर है, पहली जो एग्रीमेंट बने हुए हैं उसमें कितने पार्टनर हैं? दो. तो अगर सी एक नया पार्टनर आ रहा है तो अब आपको पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म करना पड़ेगा और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ए बी सी के बीच का, जिसमें ए बी सी के टर्म एंड कंडीशंस लिखे रहे. कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, तीन पार्टनर है ए बी सी, बी रिटायर होना चाह रहा है, तो पुराना वाला एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. अब आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. ऐसी किसी की डेथ हो जाए, डेथ तो नेचुरल वाला कंसेप्ट है, ऐसा कोई बोल के तो जाएगा नहीं. तो अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर जो पुराना वाला एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. डेथ के केस में उसके जो डेथ, जिसकी डेथ हुई है उसका पार्टनर, मतलब उसका पार्टनर मतलब उसकी वाइफ या उसके नॉमिनीज क्लेम नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ की डेथ हो गई है तो अब मैं पार्टनर बन जाता. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. डेथ हो जाए तो फिर पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा. आपको नया क्या बनाना पड़ेगा? ठीक है, बेसिक एक लाइन में बता रखा है उसने. यहां बोल रखा है दिस रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है? जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, रद्द हो जा रहा है. एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू बीइंग विद द चेंज relationship among the member of the partnership firm or their compositions. पुरानी वाली partnership खत्म हो जाएगी
और जो नया एग्रीमेंट बनेगा उसमें नए टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। जैसे पुराने वाले में ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, तो अब अगर वो चेंज करना चाहते हैं अपना रेशियो तो पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नए एग्रीमेंट में आप क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 1:1। तो अब जो रिलेशनशिप है वो न्यू रिलेशनशिप है, वो नई रिलेशनशिप है पार्टनर के बीच। क्लियर, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गया। चार केसेस बता दिए क्या क्या, कब रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होगा। पहला, अगर पार्टनर्स के बीच में, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, चेंज हो जाए। दूसरा कब होगा, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन आपके यहां हो जाए। तीसरा कब होगा, जब कोई पार्टनर आपकी फर्म से क्या हो जाए, पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाए। या चौथा केस क्या है, जब किसी एक पार्टनर की या एक से ज्यादा पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ। ठीक है जी, बेसिक ये बात समझ आ रही है। यही आपके यहां पर लिखा हुआ है, मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। कौन कौन से मोड है कि जब फर्म को अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये फर्स्ट केस बता रखा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड एडिशनल कैपिटल। अच्छा, बेसिक सा है कि आप नए पार्टनर को एडमिट कब करोगे, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपेंड, इफ द पार्टनरशिप फर्म वॉन्ट्स टू एक्सपेंड, इफ द पार्टनरशिप फर्म वॉन्ट टू अपग्रेड देयर स्किल, अगर वो अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहती है। पहले पार्टनरशिप फर्म का एक स्टोर था, अब वो एक दूसरा स्टोर खोलना चाहती है। तो जब आप अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो आपको एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और एडिशनल कैपिटल कहां से आएगा, नए पार्टनर की हेल्प से आएगा, क्योंकि जो भी नया पार्टनर आएगा वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। बात समझ आ रही है, एडमिशन क्यों हो रहा है किसी नए पार्टनर का, ठीक है। एक्सपेंड जब आप होना चाहते हैं, जब आप अपने स्केल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नए पार्टनर की खोज करेंगे और नए पार्टनर को एडमिशन देंगे अपनी पार्टनरशिप को, ठीक है। पार्टनर को क्या मिलेगा, पार्टनर को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, और बदले में वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा जो आपकी नीड को फुलफिल कर देगा। अब उसने बोला यहां पर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनएनिमरसली एग्री फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, बड़ा बेसिक सा बता देता हूं। नया पार्टनर उस वक्त एडमिट होगा जब एग्जिस्टिंग पार्टनर दोनों कंसेंट करेंगे, मतलब एग्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि पहले दो पार्टनर थे, उनका नाम था राम एंड श्याम, राम और श्याम, ये एक नया इंडिविजुअल है जिसका नाम है गोपाल, गोपाल फॉर्म में एडमिट होना चाहता है और राम अपनी कंसेंट दे रहा है, श्याम ने मना कर दिया। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो गोपाल एडमिट नहीं। मान सकते हैं कि गोपाल किसका फ्रेंड है, राम का फ्रेंड है, राम अपने फ्रेंड को पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करवाना चाह रहा, श्याम इस चीज के लिए राजी नहीं था। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, केस का रिजल्ट यह बनेगा कि गोपाल एडमिट नहीं होगा जब तक ये दोनों क्या ना दें अपनी कंसर्न। इतनी बात समझ आ रही, जब तक ये दोनों क्या नहीं कंसर्न। याद रखेंगे, पार्टनरशिप में हर काम सारे पार्टनर की कंसेंट में होते हैं। अगर एक भी पार्टनर अपनी कंसेंट ना दे तो वो काम नहीं हो सकता। दैट मींस ईच एंड एवरी पार्टनर हैज अ वीटो राइट, इक्वल राइट नहीं, वीटो, वीटो वाला फड़ा है, पढ़ा है, पढ़ा होना चाहिए, वीटो राइट समझ रहे, ठीक है ना। वीटो राइट मींस सबको पता है ना इसके बारे में, आज तो नहीं पता ना, अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होने वाला। जैसे दो लोग थे ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, ए चाहता है कि इक्वल हो जाए, बी चाहता है ना, या अपोजिट केस हो, तो जब तक दोनों की कंसर्न नहीं होगी तब तक वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं कर सकते।
हर एक पार्टनर्स के पास वीटो राइट है अपना। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज, सेकंड मोड जो बता रखा है वो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या लिखा है? समटाइम्स द पार्टनर ऑफ अ फर्म मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस मे हैपन इन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर रोल इन द फर्म। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज क्यों होगा? उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्यों बनेंगे? क्योंकि पार्टनर्स के रोल में क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। रोल का मतलब क्या है? हो सकता है कि ये दो लोग थे ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी का ओल्ड रेशियो था 2:1। इसका मतलब ए के पास ज्यादा हिस्सा था फर्म का और बी के पास कम था। बट दोनों ने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की तो एक चीज डिसाइड किया था कि दोनों बराबर काम करेंगे, फर्म इक्वल काम करेंगे। बट धीरे धीरे पता चला कि ए ने जो फर्म को कमिटमेंट दी थी कि मैं भी इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल काम करूंगा, वो नहीं कर रहा था। तो अब बी क्या बोलेगा ए को कि भाई प्रॉमिस किया था ए ने बी को कि मैं इक्वली काम करूंगा, ए काम नहीं कर रहा है। तो बी अब ए के पास गया कि सारा काम मैं संभाल रहा हूं, तो अब मुझे क्या मिला जाए? बराबर का हिस्सा मिला। तो ऐसी कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप कुछ भी बना सकते हैं जो कि रियलिस्टिक हो। ठीक है, अनरियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक बननी चाहिए। ठीक है, तो ये रोल में अगर पार्टनर के रोल में चेंज हो जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आसानी से चेंज हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, दैट मींस पुराना वाला एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, अब आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ आ रही? ठीक है, थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ एन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर क्या हो जाए? रिटायर हो जाए। इट मींस विड्रॉल बाय अ पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म व्हिच मे बी ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, ओल्ड एज और चेंज इन बिजनेस इंटरेस्ट। रिटायर क्यों होगा? रीजन आपको बता रखे हैं बुक ने, क्या हो सकते हैं रीजन, है ना? बैड हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी ना हो, ठीक है, सीनियर सिटीजन वाली एज में पहुंच गए हो, या फिर क्या हो गया, बिजनेस इंटरेस्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या होता है बिजनेस इंटरेस्ट में चेंज होने का मतलब? बिजनेस करने में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा हो सकता है जनरली? क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं है। अरे इंटरेस्ट चेंज हो सकता है बिजनेस में करने का इंटरेस्ट, चेंज इन इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा तो वंस इन मिलियन वाला सिनेरियो होगा कि वो हिमालय की ओर चला गया बिजनेस छोड़ के। इसका मतलब यह है कि जिस पार्टनर के साथ वो एक सर्टेन बिजनेस कर रहा था, अब उसे लग रहा है कि शायद मेरी अपॉर्चुनिटीज या मेरी ग्रोथ इस बिजनेस में नहीं है, तो वो क्विट होना चाहता है, वो एक कहीं नया बिजनेस इन्वेस्ट, नया बिजनेस खोलना चाहता है। उसके साथ उसका इंटरेस्ट क्या हो गया? खत्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गए। और बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं बिजनेस करते वक्त कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर बिजनेस को छोड़ के आना चाहते हैं। अच्छा, छोड़ के अपना आप नहीं जाएगा जब तक पार्टनर्स की क्या ना मिले, कंसर्न ना मिले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बोल देते हैं कि तीन पार्टनर थे, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है वैसे रॉय, रवि एंड राव, रॉय रवि एंड राव। एनसीईआरटी भी बड़े नाम देखते रहे ना, रॉय रवि एंड राव। अगर आप इन नाम के बारे में बताऊं तो पूरा इंडिया सिर्फ नाम से बता दिया है। रॉय बंगाली नाम है, रवि जनरली नॉर्थन नाम है, और राव वेस्टर्न यूपी है, वो सॉरी ईस्ट यूपी का नाम है राव। अभी जरा चलो दूसरे पीरियड में बताऊंगा कि यहां पर भी नाम नहीं बड़ा गेम। तीन पार्टनर है, आगे क्या लिखा है? आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो दो एक उनका रेशियो था। On account of illness, Ravi retired from the firm on March 31st, 2017. This result in reconstitution of the firm now having only two partners. ठीक है, जो रवि था, रवि क्या होना चाहता है? रिटायर होना चाहता है फर्म से।
तो जब रवि रिटायर होना चाहता है तो दोनों की कंसेंट होनी जरूरी है, किस किस की, रॉय और राहुल, तब जाके वो रिटायर होगा। क्लियर बात समझ आ रही? अपना आप रिटायर नहीं होगा कि मेरी तबियत खराब है तो मैं सीधा रिटायर होना चाहता हूं, अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकता वो, जब तक दोनों लोग जो एग्जिस्टिंग जो अब रिमेनिंग पार्टनर है जब तक वो अपनी कंसेंट ना दे, कंसेंट का मतलब है सहमति ना दे। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात समझ आ गई? चलो आते हैं लास्ट में, चौथे मोड में। चौथा मोड कौन सा है? यहां पर कोई सिचुएशन बचती नहीं है, यहां पर कंसेंट देने की जरूरत है? इस केस में तो कोई भी कंसेंट चाहिए नहीं क्योंकि आदमी मर गया। यहां पर पार्टनरशिप में ऑल्सो स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप में ऑल्सो स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म एज यूजुअल। एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर थ्री पार्टनर एक्स वाई जेड, एक्स की डेथ हो गई कब, 31st March 2027, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब देखो तीन पार्टनर थे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रॉफिट शेयरिंग इशू रहा होगा, ठीक है, उसमें से एक पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो फर्म का प्रॉफिट अब सिर्फ बाकी के बचे दो लोग शेयर करेंगे, किसी भी रेशियो में वो बात कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं और इक्वली भी नहीं कर सकते। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस बाय एक्स सॉरी वाई एंड जेड शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब देखो पुराने टर्म एंड कंडीशन में चेंज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि एक पार्टनर क्या हो गया, कम हो गया, एक पार्टनर मर गया या रिटायर हो गया या मर गया, तो अब जो पुराने टर्म एंड कंडीशन में उसमें अगर चेंज आ रहा है दैट मींस पुरानी वाली एग्रीमेंट खत्म हो रही है, अब आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकंस्ट्रक्शन फिर से नई एग्रीमेंट बनाना पड़ रहा है पार्टनर्स के बीच के। क्लियर है? इतना क्लियर हो? चलो अब आ जाते हैं अपने रियल जिसे बोलेंगे कंसेप्ट में, वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, व्हेन फर्म रिक्वायर्स। अच्छा वही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्यों होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। नए पार्टनर का एडमिशन क्यों हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, अभी उसके बारे में बताया। क्यों? क्योंकि फर्म वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस, फर्म को और अपना ऑपरेशंस बड़े करने और बड़े स्कूल में स्केल में जाना है, तो अगर आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अपग्रेड करना है, अपग्रेड भी करना हो या अप स्केल करना है, फर्म नीड दी एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल कहां से आएगी, पार्टनर्स को एडमिट करके आएगी। जैसे कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उसके दो राइट होते हैं, क्या है राइट, ये दो राइट है बेटा, क्या राइट है, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पहला राइट क्या है उसका, एसेट शेयर करेगा वो, मतलब पहले दो लोग थे ए और बी, अब सी एडमिट हो रहा है तो पहले एसेट्स कौन शेयर करता था, ए और बी, ए और बी का अधिकार था एसेट्स पे, अब किसका हो जाएगा, सी का भी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, प्रॉफिट। अच्छा एक चीज अभी यहां पर ये नहीं लिखी हुई है, वो है कि सिर्फ एसेट्स को शेयर नहीं करेगा, लायबिलिटीज में भी ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एसेट्स एसेट थोड़ी मिलेगी, ये थोड़ी है कि लायबिलिटीज पे नहीं करेगा। अगर नया पार्टनर बिजनेस फर्म में एडमिट होता है, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, तो एसेट्स तो शेयर करेगा ही करेगा, लायबिलिटीज भी शेयर करेगा, ठीक है, ये दो राइट अगेन समझ। ठीक, अब ये जो दो राइट मिल रहे हैं इसके बदले क्या मिलेगा, ये तो उसे मिल रहे हैं और आपको पता है वो एक प्रॉफिट मोटिव के लिए आ रहा है, सोशल मोटिव के लिए तो नहीं आ रहा है कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर, तो अगर वो प्रॉफिट मोटिव के लिए आ रहा है तो कंसिडरेशन दोनों साइड से होगी, उसको ये राइट मिल रहे हैं तो बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा, क्या देगा वो देगा एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल तो देगा, बट एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। कैपिटल कितनी देगा सवाल इस पे, कैसे डिसाइड होगा कि जो नया पार्टनर आएगा वो कितनी कैपिटल देगा, तो उसने लिखा है एग्रीड कैपिटल देगा, जो पुराने वाले पार्टनर्स और नए वाले पार्टनर्स में एक एग्रीमेंट बनेगा ना,
या ऐसे घुसा देंगे किसी को भी कि भाई आ जा इतने रुपए दे दे और तो फट। कुछ तो मेथड या कुछ एनालिटिकल डेटा डिसाइड करते होंगे ओल्ड पार्टनर्स के नए वाले को कितना शेयर देना है और उस शेयर के बदले कितनी कैपिटल रेज कर। और वही बेसिकली अब हम सीखने वाले हैं कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, कैसे लेके आता है। अगर कोई कैपिटल लेके आता है पुराना पार्टनर तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में अभी हम सीखने वाले हैं। फर्म में नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, क्यों बनाने पड़ते हैं, ये बेसिक प्लस न्यूमेरिकल पार्ट जो इसका आएगा वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में आने, ठीक है, पूरा करते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फर्म विच मे बी अर्निंग मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट सम एडिशनल अमाउंट नोन एज प्रीमियम ऑफ गुडविल। एक नई चीज और पता चली है यहां पर, कुछ पता चल रहा है क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखो जो एस्टेब्लिश फर्म है, जो वेल नोन फर्म है, जो प्रॉफिट जनरेटिंग फर्म है, ऑलरेडी वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जनरली जो मिलता, मतलब है बॉबी बता, एग्रीमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट, एग्रीमेंट में क्या ये लिखा रहेगा कि इतना प्रॉफिट होगा, रेट कैसे डिफाइन करें, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, ऑपरेशन करके प्रॉफिट मिल रहा है उससे तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट बोलूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट मींस इन अ मार्केट द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द मार्केट प्लेस, द एवरेज प्रॉफिट जनरेट बाय द मार्केट प्लेस और मार्केट प्लेयर, जो ऑपरेट करके मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल नहीं। मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं बिजनेस ऑपरेशंस कर रहा हूं और जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। बट मार्केट प्लेस में जो काम मैं कर रहा हूं वो और भी तो कर रहे हैं, एवरेज अगर मैं उनका निकाल रहा हूं तो जो वो एवरेज निकल रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर उस एवरेज से ज्यादा मैं कमा रहा हूं इसका मतलब मैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, अरे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, और अगर मैं उससे कम कमा रहा हूं दैट मींस मैं नॉर्मल प्रॉफिट से कम कमा रहा हूं। अब दो अलग अलग सिचुएशन है, अगर आप फर्स्ट वाली सिचुएशन में हो और नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो, नए पार्टनर को एडमिट करवा रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम कैपिटल आप एक चीज और चार्ज कर रहे हो उससे, और वो चार्ज जो कर रहे हो वो है प्रीमियम फॉर या प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हो, आप मार्केट में जो और कॉम्पिटिटर है उनका जो एवरेज निकल रहा है उससे ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ गुडविल, आपके बिजनेस की गुडविल है, और आप उस गुडविल का भी कुछ पैसा नए वाले पार्टनर से लेंगे अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल तो लेंगे कैपिटल तो आप प्रॉफिट में शेयर और एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सा लेने के लिए ले रहे हो, बट आपकी अपनी गुडविल है, आपकी अपनी रेपुटेशन है, आपकी वैल्यू है मार्केट में, इसलिए आप अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एक और चीज अपने पार्टनर से चार्ज करेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बेसिक ये थ्योरी पार्ट है और ज्यादा थ्योरी नहीं बताई है मैंने इस बार, सीधा इसके बाद क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर कल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।